अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मेरे किचन गार्डन में खुश आमदीद। आज हम जो किचन गार्डन में डिस्कस करने वाले हैं वो है एलोवेरा। ये मेरे एलोवेरा देखें, एक छोटी सी बास्केट में, रफ सी बास्केट में मैंने लगाया हुआ है। और अगर आप इसको डीपली देख सकें तो माशाल्लाह ये काफ़ी बुशी बना हुआ है। मैंने जस्ट इसके एक या दो प्लांट लगाए थे और कहीं से लेके तो उसको लगाए थे। तो ये सारी एलोवेरा खुद ग्रो की है। एलोवेरा को जो है ना इटसेल्फ चाहिए बहुत अच्छा पानी और बहुत अच्छी धूप। तो यहाँ पे सारे दिन की सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक फुल धूप रहती है। तो आप इसकी ग्रोथ देख लें और माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आज हम इस एलोवेरा से आपके लिए बनाने जा रहे हैं एलोवेरा ऑयल। घर में कैसे एलोवेरा ऑयल लगाएं, उसमें एलोवेरा ऑयल में सारे बेनिफिट होंगे जो कि एलोवेरा में होते हैं। और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, इससे सिल्की होंगे बाल, नई ग्रोथ होगी। और आप जितने भी टोटके या अदर मेडिसन या बालों के जो भी इशू हैं, डैंड्रफ या सो व्हाट ऑन, आपके सारे इशू ऑलमोस्ट ये सॉल्व करेगा। इसकी कोई वो क्वांटिटी नहीं है कि आप कम एलोवेरा लें या ज़्यादा एलोवेरा लें और ऑयल कितना हो। तो जो चीज़ जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे हम मैनेज करेंगे। और अभी जो है ना मुझे इस बास्केट को थोड़ा सा लाइट भी करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो गया ग्रोथ करने के लिए, इसके पास जो है ना अब स्पेस नहीं बची। तो इस वजह से मैं रूट के साथ ही प्लांट निकाल लूँगी, मैं इसके बंच नहीं काटूंगी या इसके स्लाइसेस नहीं काटूंगी, ठीक है। तो मैं इसके मिडल में से जो है ना एक प्लांट निकाल लेती हूँ जिसको मैं रूट के साथ ही निकालूंगी ताकि मैं बाकी प्लांट्स को स्पेस दे सकूं। ये चूंकि इसकी रूट्स खुद से ग्रो होती रहती हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका पौधा दोबारा ग्रो नहीं करेगा। और ऑलरेडी मेरे पास इतने मौजूद हैं एलोवेरा इस बास्केट में कि अगर और ना भी ग्रो करें यही अच्छी तरह से सरवाइव कर जाएं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मुझे इसके रूट्स को निकालना पड़ेगा ताकि मैं बाकी एलोवेरा के प्लांट जो है ना उनको स्पेस दे सकूं। एलोवेरा की खास बात ये होती है कि इसको इसकी रूट्स जो है ना इटसेल्फ खुद से ही ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। मेरे लिए मिट्टी बहुत कीमती है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ बींग अ फीमेल मिट्टी अरेंज करना और बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं मिट्टी ज़रा सी भी जो है ना वो वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। ये देखें अभी जो है ना हमने इसकी ऑलमोस्ट मोटी मोटी मिट्टी जो है सारी झाड़ ली है। और अब देखें इसके अंदर तो अच्छी खासी स्पेस एक ही प्लांट के निकालने से अंदर निकल आई है, ठीक है। अब इसको हिलाना जुलाना मैनेज करना आसान हो गया। तो आमतौर पे आपके पास अगर नहीं है मेरी तरह जो है ना वो नहीं है तो हम इसके ये जो स्लाइस है ना या इसको क्या कहेंगे हम, ये यहाँ से काटेंगे, ठीक है। ये आमतौर पे यहाँ से काटे जाते हैं ताकि जो है ना ये देखें यहाँ से। तो हम इसको पूरा बंच ही यूज करेंगे एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए। एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए आपने एलोवेरा जो है ना उसको हमने ऐसे काट लिया है। आप चाहें तो छिलके के समेत काट लें, चाहें तो उसको इस तरह से ऊपर नीचे से छिलका उतारें और दरमियान से बूटा निकाल लें, ठीक है। तो सारी एलोवेरा जितना आपने ऑयल बनाना है इसमें कोई एज सच मेजरमेंट या क्वांटिटी नहीं है कि एलोवेरा कितना हो ऑयल कितना हो। आपके पास जो चीज़ जितनी अवेलेबल है, मेरे पास एलोवेरा ज़्यादा अवेलेबल है, ऑयल कम है, ठीक है। तो ऑयल के लिए हम यूज़ करेंगे इसके साथ सरसों का तेल। तो एलोवेरा हम ऐसे सारी काट लेंगे। तो बस अब हम इनको एलोवेरा को ऑयल पे रखेंगे और इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हम एलोवेरा को ही पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये इसका पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, स्टार्च इसका सारा निकल आए।
इसको कुक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आपने जो बर्तन है ऐसा लेना है कि बाद में आपको उसको साफ़ करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसको हमने ऑयल, सरसों का तेल जो है ना, वो उसके अंदर पकाना है, तो जाहिर है एक दफ़ा बर्तन की शक्ल बिगड़ जाएगी। और खुले पैंदे वाला लेंगे तो जल्दी जो है ना वो इसका स्टार्च ख़त्म होगा, ड्राई होगा। तो ये मेरे पास है सरसों का तेल, मेरे ख्याल है ये एक पाव भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, मेरे पास बना ऑलरेडी पड़ा था। और ये है एलोवेरा जो हमने कुक होने रखा था, तो ये इसका पानी साथ ही साथ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो अब ये ऑयल जो है ना ये मैं इसके साथ अंदर डाल दूँगी। आप ये भी कर सकते हैं कि जब एलोवेरा डालते हैं तो साथ ही जो है ना वो ऑयल भी अंदर ऐड कर दें, ठीक है। बस आप इस ऑयल के अंदर इस एलोवेरा को पकाएंगे। ये सरसों का तेल है, वो आप कोशिश करें कि खालिश सरसों का तेल आपको जहाँ से मिले आप वो ले सकें। तो बस अब हम इसको पकाते रहेंगे और इसको अंदर से एलोवेरा का वजूद ख़त्म कर लेंगे और एंड पे हम एलोवेरा स्टीम कर लेंगे इसके अंदर से। तो ये देखें, ये जो है ना पक पक के इसके अंदर से इसकी जेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, ठीक है। बस हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और इसकी बड़ी अमेजिंग स्मेल आ रही है, ठीक है। ये देखें एलोवेरा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो ये देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी हम ये करेंगे, हम इसको इसी स्टेज पे ही स्टेन कर लेंगे मोटा मोटा, ताकि जब हम बोतल में डालें तो ज़्यादा ना करना पड़े, जितना हो सकता है इसके अंदर एलोवेरा के शेल जो हैं वो हम निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे जो है एलोवेरा उसको हम निकाल लेंगे। और इसको इस तरह रख देंगे कि ये निचड़ जाए और निचड़ के इसी के अंदर जो है ना वो शामिल हो जाए, ठीक है। थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसको बॉटल में ऐड कर लेंगे। ये इस टेक्निक से मैं रख रही हूँ चम्मच उल्टा करके इसके ऊपर, तो ऐसे जो है ना ये निचड़ के सारा ऑयल इसी के अंदर जाएगा। तो बस अब हम इसका इसके ठंडा होने को का इंतज़ार करते हैं, फिर इसको बॉटल में ऐड करेंगे और हमारा एलोवेरा ऑयल तैयार है। ऑयल हमारा ठंडा हो गया है तो अब आते हैं इसको बॉटल के अंदर डालने के लिए, ठीक है। ये मैंने जो है ना शैम्पू की एम्प्टी बॉटल है तो उसको जो है वो ऑयल के लिए लगाया हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए फनल और एक अदर स्टेनर, ठीक है। तो ऑयल को हम इसके अंदर जो है ना वो डाल लेंगे
मेक श्योर के ड्राई हो एवरी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरह से जो थोड़ा बहुत अंदर रह गया है ऑयल या वो एलोवेरा, वो बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से। तो ये है होम मेड एलोवेरा ऑयल आपके लिए, आपके बालों की अच्छी हेल्थ के लिए। और जितने आपके सर के डैंड्रफ के प्रॉब्लम हैं या बाल ड्राई हैं या बाल आपके टूट रहे हैं, सिल्की नहीं हैं, तो ये सारे इश्यूज जो हैं एलोवेरा के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे आपको इस ऑयल में मिलेंगे। सस्ता और आसान तरीका घर में जो है ना बालों के लिए अच्छी प्रोडक्ट बनाने का। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी अच्छी और रेसिपी के साथ मिलते हैं।